ओके, आज मैं आपको ये टिंकल रेज़र के बारे में रिव्यूज़ बताऊंगी। इसके कुछ फ़ायदे भी बताऊंगी और कुछ नुकसान भी बताऊंगी। कुछ जो हैं गर्ल्स वो इसका गलत यूज़ भी कर लेती हैं, जो गलत यूज़ है सब कुछ बताऊंगी। खैर, तो जो सबसे पहले जो है इसके जो सबसे बेस्ट यूज़ है, आप किस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगी। आई थिंक के हर आम मार्केट से या ऑनलाइन कहीं से भी इजीली मिल जाएगी, लेकिन मैंने जो है ये कैरीफोर से ली थी, कैरीफोर हाइपर स्टार फोर्ट्रेस, ठीक है। मैंने ये वहाँ से 3 ख़रीदी थी, आई थिंक के 180 या 150 ऐसे समथिंग कुछ था इसका रेट। तो मैंने ये काफ़ी देर यूज़ नहीं की थी, मैंने ऐसी पड़ी हुई थी, तो आज मैंने यूज़ की। आज जब मैंने इन्हें यूज़ किया तो मैंने और जब मैंने यूट्यूब पे इनके रिव्यूज़ वगैरह देखे तो मुझे पता चला काफ़ी लड़कियां इनका गलत यूज़ भी कर लेती हैं, लाइक इसको फेस पे यूज़ कर लेते हैं। जो इनका गलत यूज़ है वो मैं बताती हूँ सबसे पहले, जिसके लिए जो मैं आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी ये रेज़र्स, तो इसलिए कि आप अपने फेस के लिए कभी भी इसको यूज़ ना करें। फेस ही नहीं कि आईब्रोज़ के लिए आप इसको यूज़ करें, लेकिन कहीं की लड़कियाँ एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं या कहीं पे भी कोई चीज़ होती है, इसके इजी लगता है उन्हें इसे रिमूव करना हेयर्स, तो वो घर में इजीली इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये जो इजी काम है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और आपको चाहिए कि ये हरगिज़ अपने फेस पे यूज़ ना करें। इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है, और नुकसान ये है कि आपके ज़्यादा थिक हेयर्स आएंगे और बहुत ज़्यादा हेयर्स आएंगे, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा थिक है, आप सैलून नहीं जा सकते हैं, इमरजेंसी है, तो आप इसको यूज़ करें, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके जैसे कि बहुत नॉर्मल से हेयर है, समटाइम लड़कियां आईब्रोज़ करवाती हैं, एक हफ्ते बाद ही बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ आ जाती हैं, तो ये उनके लिए भी है कि शेप बनी हुई है, बस उन्हें नीट करना है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। लाइक जैसे कि अब मैंने ईद पे अपनी आईब्रोज़ बनवाई थी और आज मैंने इसके साथ नीट की है, और बहुत बेस्ट है। और आईब्रोज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने आज अपनी आईब्रोज़ पे, जैसे कि मैंने बताया, मैंने यूज़ किया था, मैंने इससे अपनी आईब्रोज़, मैंने इसको आज सेकंड टाइम यूज़ किया है। पहले भी मैंने एक बार यूज़ किया था, लेकिन इतने ज़्यादा बाल नहीं थे तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। आईब्रोज़ इससे बहुत अच्छी नीट होती है, लेकिन अगर आप तरीके से और एहतियात से करें तो। और इससे एक ये भी फ़ायदा है कि आप इससे ईज़िली घर में, लाइक कभी भी कहीं जाना पड़ जाए और सैलून अवेलेबल ना हो, आप सैलून नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, या मतलब कि कुछ भी है, तो आप इजीली से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए और मैं अपने आईब्रोज़ पे इसलिए नहीं अभी यूज़ करी, बिकॉज मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसके बारे में वीडियो बनाई जाए और सबको बताया जाए कि इसका क्या यूज़ करते हैं। कई की लड़कियाँ कहते हैं हम लोग ईजीली घर में फेस पर यूज़ कर लेते हैं, तो नो, आप इसको आईब्रोज़ पे भी यूज़ करें, वो भी बहुत एहतियात से, और क्योंकि कट भी लग सकता है। तो ये वैसे देखने में इतनी तेज़ नहीं, लेकिन ये है तेज़, ऑब्वियसली कटर की तरह। तो आपने इसको ऐसे हरगिज़ यूज़ नहीं करना अपनी आईब्रोज़ पे। अगर जैसे कि आपकी आईब्रोज़ है, तो आपने इसको हरगिज़ ऐसे ऐसे यूज़ नहीं करना बिल्कुल सीधा रख के, बल्कि आपने इसको ऐसे लटा के तो आराम आराम से यूज़ करना है। थोड़े से बाल आपको लगे उतर गए हैं, फिर दूसरी साइड से रिमूव करें, तो ऐसे आपने इसको यूज़ करना है। इसका यही बिल्कुल ठीक तरीका है, ये आईब्रोज़ के लिए बेस्ट है, नॉट फॉर योर फेस, नॉट फॉर योर अपर लिप्स। मैं